नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले बुधवार रात को मथुरा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी ने अपने महासचिव मुकेश धनगर पर विश्वास जताया है, साथ ही सीतापुर सीट पर भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस सीट से पूर्व मंत्री नकुल दुबे को टिकट नहीं मिला और उनके स्थान पर भाजपा के पूर्व विधायक राकेश राठौर चुनाव मैदान में उतरेंगे। इन सभी मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी के संवाददाता निहाल पांडे ने उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे से विशेष बातचीत की। इस मामले पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री से की बातचीत, आइए देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसी को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी हैं वो लगातार घोषित कर रही हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी हैं। सर, आपका हॉर्नबिल टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आप सर, आपका टिकट सीतापुर से काट कर भाजपा के पूर्व विधायक राकेश राठौर को दे दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे निर्देश मिला था वहाँ पर सीतापुर चुनाव लड़ने का। बाद में जो भी परिस्थितियाँ रही हूँ, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी परिवर्तित करने का निर्णय लिया और उन्होंने उस परिवर्तन दिशा में उनको टिकट दे दिया। अब चुनाव उनको लड़ना वहाँ से। 17 सीटों में से 14 सीटें कांग्रेस ने घोषित कर दी है, अभी 3 सीटें बची। क्या 3 सीटों में से कहीं उम्मीद है टिकट कहीं से लड़ेंगे आप? क्या नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे कहीं से, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 3 सीटों में जैसे रायबेली है, अमेठी है, एक सीट कोई और है, तो अपने कांग्रेस पार्टी हमारी हाईकमान वहाँ प्रत्याशी उतारेगी और हम लोग 17 सीटों पर पूरी ताकत से पूरी दमखम से चुनाव। अमेठी और रायबरेली में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है? कोई बहुत ज़्यादा सस्पेंस तो नहीं है, क्योंकि देखिए लड़ाई इस वक्त कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन सांसद बनेगा, लड़ाई इस वक्त देश की है। इस देश को गुलामी की राह पर ले जाने से कौन रोक पाएगा? इस देश में जो नफरत की बीज बोया गया है, इस देश में जो भाई से लड़ाने का काम किया गया है, जो बांटने का काम किया गया है, जो महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा करके कुछ मुट्ठी भर अपने चहेतों के जेबों को गर्म करके उनको बहुत सारी उसके संपत्ति का मालिक बनाने का जो काम चल रहा है, इन सब चीज़ों पर कौन लगाम लगाएगा? तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ एक नाम है, जिसका नाम राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी इस काम में लगे हुए हैं। चुनाव होते रहते हैं और हमारे हिंदुस्तान की तो ये परिपाटी कि यहाँ रोज़ चुनाव होता है और मोदी जी का बस चले तो 24 घंटा चुनाव ही कराते रहे, क्योंकि उनको 5 किलो राशन दे देना है, 2-2 हज़ार रुपया दे देना है, देश की जनता को कुछ और उसके अलावा कुछ मांगती है। लेकिन देश की जनता ने इस बार मन बना लिया है, 2024 में इनको सबक सिखाएगी और इनको दोबारा इनको वापस भेजने का काम करेगी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कहा है कि युवाओं को 1-1 लाख रुपए रोजगार दिया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, क्योंकि जो बेरोजगारी ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में व्यापक पैमाने फैला दी है, जो आपने हर संस्था को बेच करके सब प्राइवेट उनको हाथों में दे दिया है, तो आज सबसे बड़ा यही जो चैलेंज है कि जो बच्चा ग्रेजुएट होकर के आ रहा है उसको अप्रेंटिसशिप के माध्यम से ये व्यवस्था दी जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वो स्वाभिमान सम्मान जिसकी ज़िंदगी वो जीना चाहता है। क्योंकि जो अगर संविदा पर कोई बच्चा अगर रखा जाएगा तो संविदा पर काम करता रहेगा तो वो तलवार की धार पर चलेगा और उसका मान सम्मान स्वाभिमान सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसी सब मद्देनज़र हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है और वास्तव में जो ये ऐतिहासिक निर्णय है ये स्वागत योग्य है। सर, तीसरी बार भाजपा सरकार फिर सरकार बनाने जा रही है, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं, पीएम मोदी खुद कह रहे हैं। एक इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव हुआ था बीच में, उन्होंने कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा था कि मैं 2029 की नहीं 2047 की तैयारी कर रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं इसको? अब आम जनमानस में तो ये बात बैठी गई है कि शायद विश्व में सबसे ज़्यादा कर्जा हमारे देश पर आ गया है, लगभग 250 लाख करोड़ का, और कोरोना में जो मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हुई हैं, महंगाई की जो दशा है,
बेरोजगारी की दशा है और इस देश में जो भाई भाई में लड़ाने का काम चल रहा है, तो अगर इन सब के आधार पर मोदी जी अपने आप को 2047 नहीं 3047 की बात करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन वास्तव में आज हमारे हिंदुस्तान में हर तरह की समस्याओं ने अपना पैर पसार लिया है। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, बातें आपसे क्या की गई थी, 15-15 लाख रुपये आपकी जेब में, तो अब जो मोदी की गारंटी है, अभी आप देखिएगा, चार वैसे तो उनकी सरकार बन ही नहीं रही है दोबारा, लेकिन अगर कोई बात हो जाएगी तो कैसा, वो गारंटी नहीं, वो तो जुमला था, तो आपने हम लोगों का मजाक बना दिया, हमारे इस देशवासियों का मजाक बना दिया, तो जनता इसको कदाप बर्दाश्त नहीं करेगी, 2024 में आपको मजबूत सबक सुखाने का काम करेगी। ये तो आप कह रहे हैं जुमला है, लेकिन भाजपा तो कह रही है इस बार 400 के पार आंकड़ा जाएगा। वो चार हज़ार पार का है ना, वो 400 पार का है कह रहे हैं, वो 4000 पार का है, कुछ कहने तो है, और किसी के ऊपर रोक है क्या? तो जब वो हेलीकॉप्टर से उतर करके रोड शो कर रहे हैं, अब तो हमने पहली बार सुना कि हेलीकॉप्टर से भी रोड शो हो जाया करता है, तो जो वो कह दें वही कम है, तो 400 के पार कहें नहीं, 500 के पार कहें नहीं, 600 पार कहें, 400 कैंडिडेट आ गए क्या उनके? क्या मोदी जी ने हिंदुस्तान में 400 कैंडिडेट उतार दिए भारतीय जनता पार्टी से? अभी नहीं उतार पाए हैं, और हम बोलते तो उतार भी नहीं पाएंगे, लेकिन यही कहना है कि हमारे जुमलों में कि अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, और इस देश के आम नागरिकों को देखना चाहिए महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। बट 15-15 लाख करोड़ रुपए आप माफ़ कर रहे हैं उद्योगपतियों का, और हमारे नौजवानों को 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी पकड़ा करके आप अपने आप को बहुत ही वीरवान साबित करते हैं। तो इस देश के नागरिकों ने मन बना लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं बनने देंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगामी 2024 में सरकार बनाने का कार्य करेंगे। आप लोग की क्या तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या है, क्या लग रहा है इस बार आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, कैसा फैक्टर रहेगा? देखिए, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का या हमारे गठबंधन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से सब लोग मिलजुल करके, और एजेंडा बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करना है, तो सब लोग पूरी तन मन धन जी जान से लगे हुए हैं, और सबका लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों पर पराजित करके उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये संदेश देने काम करना है कि बहुत हो गई जुमलों की बार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले 2024 में आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ जाएगा। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकालने का पूरा प्रयास करेगा इस बार? इंडिया गठबंधन ने, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूरे चुनाव की और उत्तर प्रदेश की प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 65 प्लस रहने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और ईश्वर चाहेगा तो रहेंगे भी, और अन्य प्रदेशों में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, कई कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी एकदम हाशिए पर पहुँच चुके हैं, तो इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आने कार्य करेगी। सवाल है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, लगातार इनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई की जा रही, सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, और केजरीवाल गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा होता तो आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर कार्रवाई हो रही होती, आज टीका कंपनियों से लोन कर्जा लेने वालों और टीका कंपनियों से चंदा लेने वालों पर कार्रवाई हो रही थी, आज गो जो मांस कंपनियां हैं उसे चंदा लेने वालों पर कार्रवाई हो रही थी, आज हब कंपनी जो कि पाकिस्तान की कंपनी कही जा रही है पुलवामा कांड के तुरंत बाद जो चंदा आया है उस पर कार्रवाई हो रही होती, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वही व्यक्ति जो कि कंप्लेनेंट है रेड्डी, जिसकी कंप्लेंट के बेसिस पर केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, संजय सिंह जी गिरफ्तार हुए, सिसोदिया जी जेल में हैं, जैन साहब जेल में हैं, इन सब लोगों को देख करके यही लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र लगभग समाप्ति की दिशा में कदम रख रहा है, और वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अगर उन्होंने इलेक्शन के पहले इतना कड़ा रुख ना अपनाया होता तो हमारे देश की भोली भाली और जनता ये न जान पाती कि हमारे देश में कैसे लोगों ने
सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल कर ली है, और वो लोग हासिल कर लिए हैं जो अंग्रेज़ों की लड़ाई, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेज़ों के पीछे खड़े हुआ करते थे। आज वो लोग बहुत बड़े देशभक्त बने हुए हैं, बहुत बड़े राम भक्त बने हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो सिर्फ मनी और पैसा भक्त हैं, और वो पैसों के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से अपील करूँगा, सच्चाई को देखिए, सच्चाई को परखिए, सच्चाई को समझिए, और जहाँ सच दिखाई पड़े वहाँ पर वोट देने का काम करिए। जुमलों में कतार फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग देश को बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इनको अपने मंसूबों में कामयाब कदाप मत होने दीजिए। हिंदुस्तान की साख को, हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने का कार्य करिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार जुमलों की सरकार है, और अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। 2024 के लोकसभा चुनावों के तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बस्तर आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री के बस्तर प्रवास को देखते हुए बस्तर के छोटे आमाबाल गांव में आयोजित आम सभा स्थल पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है, और वहीं भाजपा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे बस्तर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में वोट डालने को लेकर बस्तर के मतदाताओं से अपील करेंगे। प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रथम बस्तर आगमन को लेकर भाजपाइयों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजित चुनावी आम सभा स्थल पर लगभग तैयारियां की गई है। अररिया जिले में कई चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं, जहां बिना डर के अपराधियों ने व्यापारियों को बंदूक की नोक पर लूटा। एक मामले में चोरी की हुई मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने एक व्यापारी को लक्ष्य बनाया, जिससे स्थानीय लोग चौंके रह गए। व्यापारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिन्होंने जांच आरंभ की। हालांकि इस तरह की घटनाओं से स्थानीय पुलिस की कुशलता में कमी का परिचय देती है। एक ऐसी ही घटना में मोहित कुमार, एक कपड़े की दुकान के मालिक, जिसे घर लौटते समय लूटा गया, अपराधियों ने उसकी सामग्रियां चुरा ली और फिर चोरी की हुई मोटरसाइकिल छोड़ दी। चुनौतियों के बावजूद स्थानीय निष्क्रियता देखते हुए प्राधिकरण अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। जांच के लिए कई टीमों को तैनात किया गया है। क्या नाम भैया आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार कहाँ के रहने वाले? हमारा हाल निवास है बिदुना, लेकिन बिदुना किस जगह? भरतना रोड। भरतना रोड, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं करीब 7 बजे अपनी दुकान बढ़ाकर बिदुना घर पे जा रहा था। कहाँ से? अपनी अरवा कटरा दुकान है कपड़े की, यहाँ से मैं बिदुना जब जा रहा था तो रास्ते में प्रहलादपुर और बटोली के बीच में 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और मुझे आगे आकर घेर लिया। उसके बाद में उन्होंने तमंचा दिखाया, उनके पास चाकू भी था, मेरा बैग, मोबाइल फ़ोन और मेरी मोटरसाइकिल लेके भागी। क्या तीनों लोग क्या चेहरा खुले थे कि बंद किए थे? उनने दो ने चेहरा बंद किया हुआ था, एक का चेहरा खुला हुआ था, जो मैंने बहुत करीबी से देखा है। अगर वो सामने आएंगे तो मैं उनको पहचान लूँगा, उसमें जो एक था उसको पहचान लूँगा। कौन सी आपकी बाइक थी? मेरी हीरो एक्सट्रीम काले कलर की बाइक थी। तो पता चल रहा है कि उनकी कोई बाइक छूटी क्या? हाँ, उनकी बाइक HF डीलक्स जो जिससे वो थे वो अपने छोड़ गए। उसी बाइक से मैं थाने तक पहुँचा, रास्ते में कोई ना मुझे गाड़ी मिली ना कोई मुझे सहायता नहीं मिली, तो मैं उसी गाड़ी से थाने तक पहुँचा था, अरवा कटरा थाने। किस जगह की यह घटना? प्रहलादपुर और भटौली के बीच। आपने लिखित थाने में तहरीर दे दी? जी तहरीर दे दी। हाँ, तहरीर दे दी है। क्या CCTV फोटोज वगैरह आपने चेक किया कहीं अभी? CCTV फोटोज पुलिस वालों ने साफ को करवाए थे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे आके, लेकिन वो वहाँ पर कोई उसमें मिला नहीं। किस नाम से दुकान है अरवा कटरा? राधा रानी साड़ी सेंटर। दिनांक 5 अप्रैल 2024 को मोहित कुमार पुत्र श्री राजेंद्र सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष,
निवासी अरवा कोयली थाना अरवा कटरा जनपद औरैया, हाल पता भरतना रोड विधुना जनपद औरैया, जिनकी अरवा कटरा में कपड़े की दुकान है। दुकान बंद कर अपने मोटरसाइकिल संख्या IP 79YZ 4657 हीरो स्ट्रीम ब्लैक कलर से अपने विधुना कस्बा के भरतना रोड स्थित मकान पर जा रहे थे। समय करीब 7:30 बजे के आसपास बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने प्रहलादपुर भटौली अड्डा के पास इनकी बाइक, बैग, मोबाइल तथा 25,000 रुपये छीन कर ले गए हैं तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया गया है वह मोटरसाइकिल मौके पर छोड़ गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP 83AR 4293HF Deluxe जो महेश्वरीपुरम सुभाष तिराहा भोले बाबा मंदिर सिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद से चोरी की गई है। 4 टीमें बनाकर CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज रविवार को भिलाई के सुपेला चौक पर एक दिवसीय भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि पूरे देश में जहां भी लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर हमारे राष्ट्रीय नेता को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार करके रखा है, जिसके विरोध में आज देश भर में आम आदमी पार्टी ने भूख हड़ताल किया है। आज पिछले 10 सालों से जो हम लोग लोकतंत्र की लगातार हत्या हम लोग देख रहे हैं, आज ये उसी का परिणाम है कि आज हमें यहाँ पर उपवास में बैठना पड़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता को एक नया दिलाने के लिए हम उनके समर्थन में आज पूरे देश भर की जनता कहीं ना कहीं हर जगह पर उपवास में बैठी हुई है। आज ये दर्शाता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। मोदी जी ईडी के बल पर लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जो लोग जिनसे उन्हें डर लगता है उन्हें जेल में डाल रहे हैं और मोदी जी को अगर ये लगता है कि ईडी के सहारे अगर वो इन लोकतंत्र का चुनाव जीत सकते हैं, इस त्यौहार को वो अकेले मना सकते हैं कि ये उनकी गलतफहमी है। उनकी गलतफहमी जल्द ही इस वक्त दूर हो जाएगी। तो कैसे देख रहे हैं अभी लगातार बात हो रही है, जैसे अभी संजय सिंह को जमानत मिली है, कब तक उम्मीद है कि केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी? ये बहुत ही जल्द जमानत सभी को मिल जाएगी। और रही बात की आज तक, जैसा कि हर पत्रकार साथी लोग भी ये सवाल किया करते थे कि भाई आपके नेता तो जेल में है, उसके ऊपर आरोप लगा है, हमारे खिलाफ तो आज तक कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन आप देखने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोल वार्ड का खुलासा जब से हुआ है सीधे सीधे प्रमाणित हो गया कि BJP है, जो कि शराब के नीति में जिसने कि भरपूर पैसा लिया, 60 करोड़ रुपए का लगभग हिसाब किताब उनके खाते में सीधे पैसा दिया गया। अब इतना बड़ा प्रमाण होने के बावजूद भी ईडी अगर कार्रवाई BJP को नहीं करती है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र अब नहीं बचा। और अब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी हर स्तर पर हर जगह अपना प्रयास करेगी और बिल्कुल लोगों तक अपना सहयोग देगी। अभी तक किस प्रकार के प्रमाण उनको मिले हैं जिस आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ आज तक कोई भी प्रमाण यहाँ तक 1 रुपये तक किसी के घर से नहीं बरामद हुए। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे बताया कि BJP के खाते में जो शरद चंद्र रेड्डी जो कि आज प्रमुख गवाह बना हुआ है, अगर आप ये बात सोच कर देखिए कि अगर प्रमुख गवाह बनने से या फिर आम आदमी पार्टी कहीं डरती कि हाँ हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, तो हमारे मनीष सिसोदिया जी और सत्येन जैन जी भी केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देके वो भी प्रमुख गवाह बनते हैं और वो BJP में शामिल होकर प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा प्रमाण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं डरता है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी मुंह तोड़कर जवाब देगी और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित ही जितने भी बेहतरीन कदम हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए। अपना परिचय दे देंगे मैं सचिव, जिला सचिव आम आदमी पार्टी।
सिंधी समाज भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के अवसर पर दो दिव्य कार्यक्रम 9 व 10 अप्रैल को आयोजित हो रहा है, जिसे देखते हुए सिंधी समाज के द्वारा दो दिन पहले से ही यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। महिला अध्यक्ष ने जानकारी दी कि झूलेलाल महोत्सव का कार्यक्रम व्यापार विहार से स्कूटी रैली निकालकर मैग्नेटो मॉल होते हुए शहर भ्रमण किया जाएगा। सिंधी समाज द्वारा भगवान श्री राम, जानकी सहित वरुण देव की झांकी भी निकल गई, जिसमें सिंधी समाज के महिला एवं पुरुष शामिल हुए। आज हमारी स्कूटर रैली है महिलाओं में की, जो हम अपने पूरे पंचायत के बड़े भाइयों के साथ मिलके मना रहे हैं। हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल साईं जी के जन्म अवतरण दिवस को हम 5-6 दिन पहले से ही इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में पूरे बिलासपुर का भ्रमण स्कूटर रैली के द्वारा हम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी रैली आप लोगों की? व्यापार विहार एरिया से शुरू होकर के, जो कि बिरादरी पंचायत के क्षेत्र में आता है, और हम बिलासपुर की 6-7 पंचायतें क्रॉस करते हुए यहाँ से मैग्नेटो मॉल के सामने से CMD कॉलेज, पुराना बस स्टैंड, वहाँ से होते हुए गांधी चौक, तोरवा में जाके हम इस रैली की समाप्ति करेंगे। परिचय दें। मैं गरिमा शाहानी, नगर अध्यक्ष भारतीय। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई, जिसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई गईं। नवीनतम अद्यतन के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे, जहां मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी और उनके विधायक भतीजे से भी मौजूद रहे। परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। ये जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब ज़मीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार और ख़ासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि भी परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई रशिया में? अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल TV।